कांगड़ा चंबा लोकसभा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष एवं धर्मशाला विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे विजय इंदर कर्ण के अध्यक्षता में युवा कांग्रेस ने डीसी कांगड़ा के माध्यम से प्रदेश के राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। साथ ही कोरोना संकट काल में प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटाले को लेकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। कोरोना संकट के दौरान स्वास्थ्य विभाग में मास्क सैनिटाइजर पीपीई किट खरीद को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। युवा कांग्रेस ने स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटाले की न्यायिक जाँच करवाने की मांग उठाई और साथ ही इस सारे मामले पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की भी मांग की है। विजय इंद्रकरण ने कहा कि वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग की देखरेख मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही है और घोटाला भी स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा है, इसलिए मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा में धारा 144 और डीएम एक्ट लागू है, इसलिए युवा कांग्रेस के 5 कार्यकर्ताओं ने ही जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि अभी तो युवा कांग्रेस जिला मुख्यालय पर ही ज्ञापन सौंप कर अपना विरोध जता रही है और यदि सरकार ने कांग्रेस की न्यायिक जांच की मांग पूरी नहीं की तो आने वाले समय में युवा कांग्रेस विधानसभा स्तर पर धरना प्रदर्शन कर सरकार की कारगुजारी के खिलाफ लोगों को जागरूक करेगी। आज युवा कांग्रेस कांगड़ा चंबा लोकसभा के अध्यक्ष होने के नाते प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग में जो घोटाला हो रहा है उसका विरोध दर्ज करने के लिए हम यहाँ आए थे और हमने महामहिम राज्यपाल जी को डीसी साहब के माध्यम से एक ज्ञापन दिया है जिसमें हमने मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की हाईकोर्ट के सिटिंग जज द्वारा एक न्यायिक जांच हो और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी भी नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दें, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की देखरेख मुख्यमंत्री जी ही कर रहे हैं। धारा 144 के चलते और डीएम एक्ट जो है वो हमारे कांगड़ा में लागू है, इसके चलते हम 4-5 लोग ही जाके डीसी साहब को ये ज्ञापन सौंप के आए हैं। देखिए, अभी तो हमने ज़िला हेडक्वार्टर जो पार्लियामेंट के हमारे अध्यक्ष हैं सारे अपने अपने लोकसभा के हेडक्वार्टर्स में ये धरना दे रहे हैं और अगर हमारी डिमांड नहीं होती है पूरी तो आने वाले समय में विधानसभा लेवल पे हर एक विधानसभा में आप देखेंगे कि हमारे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं इस धरना और प्रदर्शन करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे।